हेलो बच्चों बच्चों, आज हम करेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसीज एंड नॉर्मलाइजेशन के अंदर की कंडीशंस टू चेक वेदर डीकंपोजिशन इज लूजलेस और लूजी। देखो यहाँ पे क्या कि जब हमने लूजलेस ज्वाइंट प्रॉपर्टी देखी थी तो उसके अंदर क्या था कि भाई हम नेचुरल ज्वाइंट्स निकाल रहे हैं जिसमें भी हमने रिलेशन को डिकम्पोज किया, जैसे R1, R2, R3 जितने में भी रिलेशन में डिकम्पोज किया है वहाँ पे हम उनका नेचुरल ज्वाइंट निकालते थे और देखते थे कि ओरिजिनल रिलेशन आ रहा है नहीं आ रहा, या नंबर ऑफ लेस टप्पल्स आने चाहिए, मतलब कोई डेटा लूज नहीं होना चाहिए। तो उसकी हमारे पास कुछ कंडीशंस होती है कि भाई अगर हम ये कंडीशन अप्लाई करें विदाउट ज्वाइनिंग ये कंडीशंस अप्लाई करें तो हमें पता चल जाएगा कि ये लूजलेस है या लूजी हमारे पास क्या है, ज्वाइन हुआ है। चलो देखते क्या चीज़ है वो। देखो यहाँ पे एक रिलेशन है मेरे पास जिसे मैंने आर रिलेशन है जिसे मैंने डिकम्पोज किया है R1 एंड R2 में, ठीक है। देन कंडीशंस फॉर लूजलेस ज्वाइन हमारे पास क्या होगी, वो कहता है ये तीन कंडीशंस उसने दी है, ये कंडीशन अगर हम अप्लाई करें और चेक करें तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये जो ज्वाइन हुआ है ये लूजलेस हुआ है या लूजी हुआ है। देखो कैसे, पहली कंडीशन है यूनियन ऑफ R1 एंड R2 जिसको भी हमने डिकम्पोज किया रिलेशन में, जितने भी R1 एंड R2 में वो जो हमारा है उनका जो यूनियन है मस्ट कंटेन ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ R। देखो अगर जो जिसने भी डिकम्पोज किया अगर मैं उनका यूनियन करूँ एट्रीब्यूट्स के बेस पे तो मुझे क्या मिलना चाहिए, वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स मिलने जो ओरिजिनली हमारे पास जो रिलेशन है उसके अंडर है। तो R1 का एट्रीब्यूट, R2 का एट्रीब्यूट और इनका यूनियन जब हमने किया तो मुझे क्या मिलना चाहिए, जो ओरिजिनल रिलेशन है R उसके एट्रीब्यूट, ठीक है। तो अगर ये चीज़ अप्लाई होती है तो हम क्या कहेंगे कि भाई हाँ फर्स्ट कंडीशन जो थी सक्सेसफुल हो गई है। जैसे कि R1 एंड यूनियन R2 जब हम R लिखेंगे तो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एक R है हमारे पास जिसके अंदर ABCD है और एक R1 और एक R2 है जिसके अंदर R1 के अंदर AB, R2 के अंदर CD है। जब हम इसका यूनियन लेंगे ऐसे तो हमारे पास ओरिजिनली क्या आएगा, ABCD, जब हम क्या कहेंगे कि यस ये है। आगे चलते हैं, देयर मस्ट बी, सेकेंड कंडीशन के ऊपर देयर मस्ट बी सम कॉमन एट्रीब्यूट प्रेजेंट इन डिकम्पोज रिलेशन। जब हम इनका क्या करेंगे कि भाई इनका जब हम कॉमन एट्रीब्यूट ले होना चाहिए, जब हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे, बेसिकली जब हम इनका इंटरसेक्शन करेंगे जो हमारे पास डिकम्पोज रिलेशन है तो हमारे पास ये चीज़ खाली नहीं आनी चाहिए, कोई ना कोई कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। फाई जो होता है रिप्रेजेंट करते कि कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, अब तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जिसका मतलब कि कुछ तो एग्जिस्ट करना चाहिए दोनों रिलेशंस के बीच में कॉमन एट्रीब्यूट, तो वो होना चाहिए। जैसे कि ABCD और ABC मेरे पास और एक BD है, ऐसे कोई रिलेशन मान लो, जब मैं इनका इंटरसेक्शन लूँगा तो मेरे पास क्या आता है, B आता है, तो हम क्या कहेंगे यस ये सेकेंड कंडीशन को भी ट्रू कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ R1 एंड R2 मस्ट बी सुपर की ऑफ R1 और R2 और बोथ। वो कहता है कि जब हमने इनका इंटरसेक्शन लिया जो एट्रीब्यूट मेरे पास आया है वो क्या होना चाहिए, सुपर की होना चाहिए R1 या R2 का, ये याद रखना R1 या R2 का या दोनों का, किसी का तो सुपर की वो होना चाहिए जो कॉमन एट्रीब्यूट है, दोनों का भी चलेगा किसी एक का भी चलेगा, बट वो होना चाहिए सुपर की। इन द सेंस हम इनकी कैंडिडेट कीज निकालेंगे देन देखेंगे वो उनमें है या नहीं है प्रॉपरली, बट ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए, आने वाली वीडियो में भी हम लेंगे एग्जांपल अच्छे से। यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि चेक गिवन डीकम्पोजिशन ऑफ R ABCD इंटू R1 AB एंड R2 CD इज लूजलेस और लूजी। कई बार एग्जामिनेशन में कई यूनिवर्सिटी में इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई लूजलेस ज्वाइन है या लूजी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 5 से 6 नंबर में आता है ये भी याद रखिएगा, 4 मिनट का स्टेप है बट पूरे नंबर देखे जाएगा। अब यहाँ पे मुझे एक रिलेशन गिवन है R के साथ ABCD 4 एट्रीब्यूट है जिसको मैंने डिकम्पोज किया है, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लीजिए, R को मैंने डिकम्पोज किया है R1 में जिसके अंदर AB आ गया और R के अंदर थे ABCD और इसको साथ में मैंने R2 में डिकम्पोज किया जिसके अंदर क्या आ गया CD। तो अब ये कहता है कि ये बताओ कि ये इज लूजलेस और लूजी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन अप्लाई करेंगे जो क्या कहते हैं यूनियन निकालो R1 एंड R2 का। फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, देखिए सॉल्यूशन है ये इसका, क्या लगाना कि यूनियन लगाना है R1 एंड R2 का। तो R1 के अंदर देखो प्रॉपरली आप ऐसे प्रेजेंट करके आओगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, तो कभी गलती से भी मतलब गलत वो मत प्रेजेंटेशन देना।
अब मैं इनका यूनियन निकालूंगा तो क्या होगा, कॉमन एट्रीब्यूट एक बार आएंगे और जो अलग अलग है वो तो सारे आएंगे ही आएंगे। तो ए एक रिलेशन मान लिया, ए बी सी डी। अब ये क्या ये है, बिल्कुल है, सारे के सारे एट्रीब्यूट आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि पहली कंडीशन सक्सेसफुल होगी। तो आप लिखना कि कंडीशन यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन इज सक्सेसफुल है, जैसे भी आपको लिखना हो वैसे लिख लेना। नेक्स्ट आता है कि सेकंड पॉइंट देखना हमें, जहां पे क्या इनका इंटरसेक्शन लेना और कॉमन एट्रीब्यूट जरूर आना चाहिए। देखिए अब जब मैं आर वन ए बी का इंटरसेक्शन लूंगा आर टू सी डी के साथ, तो मेरे पास कौन सा एट्रीब्यूट आ रहा है, कोई कॉमन एट्रीब्यूट आ रहा है, नहीं आ रहा। तो यानी ये क्या आ रहा है, ये इक्वल हो रहा है फाइव के, जिसका मतलब सेकंड कंडीशन गलत होगी। तो हम क्या कहेंगे कि लूजलेस ज्वाइन है या लूजी ज्वाइन है, नहीं ये हमारा एक लूजी ज्वाइन है, क्योंकि अब हमें थर्ड कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्यों चेक करेंगे, क्योंकि भाई इन पे जो की है वो मतलब जो एट्रीब्यूट है वो क्या हो, सुपर की हो, जब कोई एट्रीब्यूट ही कॉमन नहीं आया तो उसको कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लूजी ज्वाइन हो गया। गाइस तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। ये तो बड़ा सिंपल था, अगला एक न्यूमेरिकल और लूंगा अगली वीडियो के अंदर, जहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई, सेकंड भी हो रही है, थर्ड को चेक करेंगे कि हाँ भाई कैसे इसको पता लगाना जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो एक सुपर की है या नहीं है, ताकि ये क्या हो एग्जांपल हमें अच्छे से सिनेरियो जो इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए। एग्जामिनेशन में 4 से 5-6 नंबर में आता है, तो बट नंबर पूरे दे के जाएगा, कितना टाइम लगा कुछ नहीं लगा, तो करके जाना ये। ठीक है, तो गाइस वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।